सुप्रभात बच्चों, आज मैं जयवर्धन भटनागर परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय संगीत शिक्षक आपके समक्ष एक बार फिर कक्षा तीसरी का संगीत का एक लेसन लेकर आया हूं, जिसमें संगीत क्या होता है, किस तरह संगीत को हम सीख सकते हैं, संगीत के बारे में क्या जानकारी एक बच्चे को होना चाहिए, वो मैं आज आपको बता देता हूं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, संगीत क्या होता है, संगीत किसे कहते हैं। आज संगीत का मतलब एक हम सब जानते हैं, गाना बजाना, बस गाना वो संगीत, बजाना संगीत नहीं। बच्चों को संगीत नहीं कहते, इसका सीधी सीधी परिभाषा है गायन, वादन और नृत्य। अर्थात गाना वादन में बजाना और नृत्य में नाचना, इन तीनों के समागम को हम संगीत कहते हैं। न कि कहीं हम संगीत को नहीं कहेंगे, अकेले कहीं कोई गाना गा रहा है तो संगीत हो रहा है, कहीं तबला बजाया जा रहा है या ढोलक बजाया जा रही है तो हम उसको नहीं कहेंगे संगीत हो रहा है, या कोई नृत्य कर रहा है तो उसको ये नहीं कहेंगे संगीत। जहां कहीं भी ये तीनों विधाएं एक साथ एक मंच पर उपलब्ध हों उसको हम संगीत कहेंगे। हम बच्चों उसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, जैसे टीवी पर या लाइव प्रोग्राम हम कहीं देखते हैं, गायक गाना भी गा रहा है, अपने उसके साथ वाद्य यंत्र भी बज रहे हैं, वो गा भी रहा है और अपने भावों से, चेहरों के भाव से, एक्सप्रेशन से, हाथों से वह आप लोगों को उसका आपको मनोरंजन कर रहा है। तो आप तीनों विधियां एक मंच पर उस जगह विराजमान, तो हम उसको संगीत कहेंगे। अब हम चलते हैं, संगीत के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। संगीत के लिए बच्चों सबसे महत्वपूर्ण है ध्वनि। ध्वनि को हम दो रूपों में विभक्त कर सकते हैं, एक जो कानों को अच्छी लगे और एक जो कानों को बुरी लगे या जिसको सुनकर हमारा मन विचलित हो वो ध्वनि। तो जो ध्वनि जिसके नियमित अंतराल हो, जिसकी नियमित आंदोलन संख्या हो, जो कानों को सुमधुर लगे, मन का रंजन करे, वह ध्वनि संगीत उपयोगी होती है। और जो ध्वनि अनियमित अंतराल, जिसका कोई टाइमिंग ना हो, ना कोई आंदोलन संख्या नियमित हो, कानों को बुरी लगे, कानों को कर्कश लगे, उसको हम कोलाहल कहते हैं। तो संगीत के लिए जो हमारे कानों को अच्छा लगे वो ध्वनि को हम संगीत कहेंगे या स्वर कहेंगे। उन ध्वनियों को ही जो हमारे कानों को अच्छा लगता है उन ध्वनियों को हमने संगीत के अंतर्गत लिया। बच्चों, जिस प्रकार हम हिंदी सीखते हैं या अंग्रेजी सीखते हैं, उनको सीखने के लिए प्राथमिक स्टेज, जैसे हिंदी को सीखने के लिए बालखंडी होती है और अंग्रेजी को सीखने के लिए ABCD वगैरह सीखते हैं ना, इसी तरह से संगीत को भी सीखने के लिए उसकी स्वर लिपि होती है, स्वर परिभाषा होती है, उसको हम स्वर कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको संगीत के जो मुख्य स्वर हैं उन स्वरों के बारे में बताता हूं। बच्चों, वह मुख्य स्वर कुल मिलाकर सात होते हैं, सात स्वर होते हैं, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। अब आप कहोगे कि सर इसमें आप तो जैसे जनरली बच्चे कई बार गाते हैं,
सारे गामा पाधा नीसा, तो बोला सर सा दूसरा कहां गया। तो बच्चों जब हम सात करेंगे तो आठवां, ये जब गाते हैं तो आगे बढ़ते जाते हैं, ये जस्ट चढ़ते हुए क्रम में गाते हैं बच्चों इन स्वरों को। इसमें स्वरों का हम जब उतार चढ़ाव, संगीत मीन्स उतार चढ़ाव, स्वरों का अपना कमांड, हर स्वर का एक अपनी आंदोलन संख्या है, उससे ऊपर नहीं गा सकते न स्वरों को नीचे गा सकते, उसके केंद्र बिंदु, हर स्वर का अपना एक केंद्र बिंदु होता है, तो उस केंद्र बिंदु से जैसे आप हल्का सा भी तिरछा लगाएंगे हटाएंगे तो वो स्वर उस जगह से पथभ्रष्ट हो जाएगा और वो हमारे कानों को बुरा लगेगा, हमारे कानों को अच्छा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सा रे गा मा पा धा नी, मैं अभी आपको सात स्वरों के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि जो मुख्य स्वर है वो सात है और पांचवा स्वर और होते हैं जिन्हें हम आगे पाठ में आपको बताऊंगा, जिन्हें पांच स्वर होते हैं वो रे ग मा ध नी, जिनको कोमल या तीव्र स्वर कहा जाता है, उसके बारे में आपको आगे चर्चा करूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको सारे गामा के बारे में बताऊंगा। साथ हमारे संगीत विद्वानों ने जो है ये स्वर चढ़ते हुए किस तरह से मैं आपको गाना बताता हूं। आगे जा सकते हैं और नीचे भी आ सकते हैं, फिर मैं बताता हूं आपको किस तरह से ऊपर चढ़ते जाइए। सा आप देखिए ये हारमोनियम का जो स्वर चल रहा है इसके अंदर से बाहर नहीं होना चाहिए, हमारे कान भी सबसे बड़े गुरु होते हैं, जो हम सा बोलते हैं इसमें वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए, अपने कानों को स्थिर दिमाग रख के अपने मन को स्थिर रख के चित्त को इसके रखे जब आप बोलेंगे तो सा सही लगेगा। आप देखिए अब ऐसे नहीं बोलना है सा, ये जस्ट बोला इसमें निश्चित अनियमित आंदोलन है, आप देख लो सा जितनी देरी बोलो सा का एक फिक्स एक सांस में जितना बोल सकते हैं पांचवी काली जिसको हम देखते हैं इसको बोलते हैं पांचवी काली।
इसके द्वारा हम बच्चों को इससे गवाते हैं ताकि उनकी कोमल नसों पर, गले की कोमल नसों पर जोर ना पड़े। ठीक है, इस तरह से हम इसको स्वरों को बढ़ते हुए क्रम में गाते हैं। अब इसको हम संगीत की परिभाषा में क्या कहेंगे, आप देखिए। सारे गामा पादा निसा, अब इसी को उतरते हुए क्रम में लेंगे। इसी को हम संगीत की भाषा में आरोह, आरोह में चढ़ते हुए क्रम सारे गामा पा ग नि सा, अवरोह सा नि धा पा म ग रे सा, स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोह कहेंगे। तो बच्चों, ये सबसे पहले हम बच्चों को सिखाने के लिए इन स्वरों का स्वराभ्यास कराते हैं, जो आपको संगीत सीखने की प्रथम सीढ़ी है। तो मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं इसके अंतर्गत कि जैसे स्वर है इनके हम वेरिएशंस काफी ले सकते हैं। इसी को स्वर सारे गामा पादा नि सा, इसी को हम आकार में ले सकते हैं। वेरिएशंस को भी ले सकते सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा, ट्रिपल भी ले सकते सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 ने 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा सा। तो आप इस तरह से बच्चों इसी को सीख कर आराम से आप अपनी संगीत की प्रति, संगीत के प्रति रुचि को बढ़ा सकते हैं। संगीत गाने की ये जस्ट प्रथम सीढ़ी है कि संगीत को किस तरह से गाया बजाया जाए, कि कहीं आप जब किसी को सुनाए तो उसको लगे नहीं ये बच्चा सीखता है, इसमें संगीत के प्रति रुचि है बच्चे की। तो मैं यही कहना चाहता हूं बच्चों आपसे कि इस तरह से हम स्वरों के इसके विभिन्न वेरिएशंस लेंगे। फिर मैं एक बार फिर दोबारा वापस दोहराता हूं, सारे गामा पादा नि सा, क्योंकि हम जिस तरह से बच्चों इनको देखते हैं, हम स्वरों को जब देखते हैं तो जैसे नाम चलते हैं सारे गा मा पा धा नी सा रे गा मा पा धा नी सा, यस। तो
बच्चों, मैं आपको ये बता रहा था कि जिस तरह से हमने बोला सारे गामा पा धा नी साई धा पम गे सा, बच्चों इसको हम संगीत की भाषा में सप्तक भी कहते हैं। सात स्वरों की क्रमबद्ध रचना को सप्तक कहा जाता है। अब जिस प्रकार हम ये हारमोनियम को देख रहे हैं, हारमोनियम को हम देख रहे हैं, इसमें आप देखिए कि ये हारमोनियम, इसमें हम कहीं भी सा है, हर जगह पे इसमें सा है, कहीं भी हम बजाएंगे बच्चों इसमें सा है। तो संगीत में गाने बजाने के लिए तीन सप्तक माने जाते हैं। सप्तक मीन्स रेंज, गले की हमारी कितनी ऊंचाई है या नीचाई है, इसको हम सप्तक कहते हैं। हम जहां से गाना बजाना शुरू करते हैं या सा बोलना चालू करते हैं, जैसे हम एक पांचवें ताले से ले रहे हैं सा, जस्ट इसको बोलेंगे मध्य सप्तक। तीन तरह के सप्तक होते हैं, मंत्र सप्तक, जो जिसके हम जहां से गाना चालू कर रहे हैं उसके नीचे जितने भी स्वर साथ हैं नीचे सानी धा, ये मंद सप्तक कहलाता है। वो सप्तक जहां से हम गाना गा रहे हैं उसको मध्य सप्तक कहते हैं, जहां से हम गाना बजाना शुरू करते हैं उसको मध्य सप्तक कहा जाता है। और जब हम ऊंचाई से इस सा के ऊपर जब जाएंगे, ये ऊपर वाला तार सप्तक कहलाएगा। ऐसे अब मैं बताता हूं, मंत्र सबसे पहले हम मध्य सप्तक लेते हैं सारे गामा पादा निसा सानी दा पमगरे, ये मध्य सप्तक। अब इससे पहले का जो मंत्र सप्तक है सानी दा, ये देखिए आप उस पर सानी, हम मध्य सप्तक पे चले जाएंगे सारे गामा पा गानी सा, ये हो गया मध्य सप्तक। अब इससे सातवें पर जाएंगे तो ता सप्तक सारे गामा पा गे सा, मतलब जहां हम गा रहे हैं वो मध्य सप्तक, उससे पूर्व का मंद्र सप्तक, जो गा रहे हैं मध्य सप्तक उससे आगे का सप्तक तार सप्तक। तो हम जब इसको गाएंगे तो वो हमारे गाने के गले की हमारी बनावट, गले की हमारी रेंज, क्योंकि रेंज बनती बच्चों अभ्यास से। जितना आप गाने का अभ्यास करोगे, जितना स्वरों का अभ्यास करोगे, आपको स्वरों का ध्यान होगा, साथ ही आपकी गले की ऊंचाई नीचाई, ये वोकल कोड आप देख रहे हैं, ये हमारे गले की रेंज निर्धारित करता है। सबसे पहले मैं बस आपको इतना, एक गाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वॉइस कभी भी गाएं आप, हमेशा गाना हमारा गले का काम है, वॉइस को मोल्ड करना, ना कि गाना करना। गले का काम है वॉइस को मोल्ड करना, और पेट का काम है वॉइस को आवाज देना, वॉइस का प्रेशर देना। अब क्योंकि अगर मैं ज्यादा देर गले से गाऊंगा तो आप देखेंगे कि मैं ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट बाद मेरा गला बैठ जाएगा।